And welcome to you all on our YouTube channel that is Easy Learning. I hope you all are better and safe. और हम लोग एक बैच अभी मैंने कल से ही स्टार्ट किया है. परसों आप लोगों को स्टडी प्लान बता दिया था. क्या आप पढ़ाने वाली हूँ मैं टारगेट बैच यानी IBPS SBI RRB PO टारगेट बैच जिसमें कि मैं रीजनिंग और कंप्यूटर आपकी प्री और मेंस भी कवर करूंगी. कल की क्लास में मैंने आप लोगों को एक अल्फाबेट न्यूमेरिक सीरीज कराई थी जिसमें मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बेसिक डिस्कशन किया था. एक बेसिक एक तरीके से मैंने इंट्रो दिया था उस चैप्टर का अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जिसको हम मिक्स सीरीज भी बोलते हैं और जिसको हम अल्फा न्यूमेरिक और सिंबल सीरीज भी बोलते हैं. इस चैप्टर के क्वेश्चन हमारे IBPS RRB SBI चाहे वो प्री हो चाहे वो मेन्स हो या फिर वो क्लेरिकल और असिस्टेंट के एग्जाम्स हो पर इस चैप्टर से क्वेश्चंस आने के चांसेस मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली होते ही होते हैं. आप ये समझो प्री में तो एग्जाम में आने ही है इस चैप्टर से क्वेश्चन और चार से पांच यानी एक चैप्टर जो आपको चार से पांच नंबर दिला सकता है क्यों ना हम उस चैप्टर को काफी अच्छे से पढ़ लें. आज की क्लास में मैं ये मेरी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की लास्ट क्लास है जिसमें मैं आपको एक क्वेश्चन पर यानी मैंने एक सीरीज लिखी है उस सीरीज पर ही बेस्ड सारी तरीके की मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बता दूंगी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड आगे पीछे यानी थोड़ा बहुत चेंज करके वही पूछे जा सकते हैं उसके अलावा नहीं आएंगे. यानी आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आज की क्लास से आपके एग्जाम में चार से पांच नंबर कवर होने ही हैं. सो प्लीज इस क्लास को बहुत अच्छे से देखिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए. एक बार में नहीं क्लियर हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं. कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं आप लेकिन इस वीडियो को प्लीज आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से देखिए. देखिए ये मैंने एक सीरीज लिखी हुई है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और सिंबल को हम बेसिकली से अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें कुछ अल्फाबेट्स होते हैं जैसा कि कल मैंने बताया था ABCD वगैरह ये सारे कुछ नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से और कुछ सिंबल होते हैं इस वजह से इसको शॉर्ट में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोलते हैं. बट इसका पूरा नाम होता है अल्फा न्यूमेरिक और सिंबल सीरीज या फिर इसको हम मिक्स पैटर्न सीरीज भी बोलते हैं. इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे आते हैं जैसे कि यहाँ पे एक सीरीज दी है ए क्वेश्चन मार्क आई ई ग्रेटर देन 7 और उसका उसके बिहाफ पर हमसे एक क्वेश्चन पूछा है और मैं अभी और क्वेश्चन कराऊंगी. पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी सिंबल कितने ऐसे सिंबल. जब भी हमसे कुछ पूछ रहा है साथ के साथ हम पढ़ते जाएंगे और ये जो चैप्टर है मैंने चाहे क्वेश्चन हिंदी में इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ. हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही है. बोल रहा हाउ मेनी सिंबल यानी कितने ऐसे सिंबल हैं. आर प्रसीडेड प्रसीड का मतलब होता है पहले जिनसे पहले क्या आनी चाहिए डिजिट यानी सिंबल से पहले क्या आनी चाहिए डिजिट. एंड सक्सीडेड देखो प्रसीड और सक्सीडेड का मतलब क्या होता है. प्रसीड का मतलब होता है हिंदी में पहले और सक्सीड का मतलब होता है बाद में. तो कितने ऐसे सिंबल है सिंबल तो आप समझ रहे हैं ना हैश एंड क्वेश्चन मार्क इक्वल ये सारे कितने ऐसे सिंबल है जिनसे पहले डिजिट आनी चाहिए प्रसीड बाय डिजिट जिनके पहले डिजिट आनी चाहिए और सक्सीड बाय वॉवल यानी उसके बाद क्या आना चाहिए वॉवल. ठीक है चलो अब यहाँ पर देखते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस पूरे पैटर्न को देखने से पहले सिंबल पर जाते हैं. सिंबल यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क क्या इसके पहले कोई डिजिट आ रही है नहीं आ रही यानी ये तो फॉलो नहीं हुआ. अब अगला देखेंगे क्या है यहाँ पे ग्रेटर है ग्रेटर देन से पहले कोई डिजिट आ रही है लेकिन क्या बाद में कोई वॉवल आ रहा है नहीं आ रहा. अब हम चलते हैं इक्वल टू पर इक्वल टू से पहले कोई डिजिट आ रही है अब बाद में वॉवल आ रहा है वॉवल क्या होते हैं ए ई आई ओ यू जो इंग्लिश अल्फाबेट में ए ई आई ओ यू है इनको हम क्या बोलते हैं वॉवल. सो वॉवल यू क्या वॉवल है हाँ है. सो यहां पर एक पैटर्न आपका बन गया 6 इक्वल यू. ठीक है अगला यहाँ पर हम आगे चलेंगे क्या है सिंबल हैश हैश से पहले क्या कोई डिजिट आ रही है और हैश के बाद क्या कोई वॉवल आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है ओ ओ कोई वॉवल होता है क्या हमें पता ऑब्वियसली होता है ए ई आई यू में आता है तो 3 हैश ओ. ठीक है आगे चलेंगे तो आगे देखिए यहाँ पे सिंबल है एंड
एंड से पहले कोई डिजिट आ रही है, आ रही है, और एंड के बाद क्या आ रहा है, ई. ई वोवेल होता है, ऑब्वियसली होता है. सो एक और पैटर्न बन गया, वन ई, वन एंड ई. आगे चलेंगे, यहाँ पर एक आ रहा है लेसर देन, इससे पहले डिजिट आ रही है, आ रही है, लेकिन क्या इसके बाद वोवेल आ रहा है, नहीं आ रहा. सो अगर मतलब पूरा ही पैटर्न ये फॉलो होना चाहिए, सिंबल, डिजिट और वोवेल, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है. सो यहाँ पे आपके कितने पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, थ्री. सो आपका राइट आंसर क्या है, आपके ऑप्शन में दिया हुआ है बेसिकली वन टू थ्री, मोर देन थ्री और नन ऑफ दीज. सो आपको टिक करना है थ्री पर, ठीक है. आपका आंसर हो गया थ्री इज द राइट आंसर. आया समझ में, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में गिरा आप लोग, क्वेश्चन नंबर टू है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद भी ट्राई करने का कोशिश करिएगा. और मैं आप लोगों को कल पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर इन सारे क्वेश्चंस की, जिससे आप लोग आसानी से क्वेश्चन को खुद भी करके देख सकते हैं. आप अभी ये देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है. इफ, यदि, इफ का मतलब यदि. मैं सारी हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ. वोवेल, यानी वोवेल क्या बताया था, बी ए ई आई यू. सो यदि वोवेल आर रिप्लेस्ड विद देयर सक्सीडिंग लेटर, सक्सीडिंग का मतलब मैंने भी क्या बताया था, बाद में, यानी जितने भी इस सीरीज के अंदर वोवेल आएंगे, वोवेल यानी ए ई आई यू, उनको रिप्लेस यानी चेंज करना है, चेंज करना है, एक्सचेंज करना है. उनको किससे रिप्लेस करना है, देयर सक्सीडिंग लेटर, सक्सीडिंग लेटर. एंड ऑल दी कॉन्सोनेंट आर रिप्लेस्ड विद देयर प्रोसीडिंग. कॉन्सोनेंट को किससे रिप्लेस करना है, प्रोसीडिंग लेटर. प्रोसीडिंग यानी पहले आने वाले, प्रोसीडिंग लेटर से. सो हाउ मेनी लेटर्स अपियर्स मोर देन वन. तो कितने ऐसे लेटर हैं जो एक से ज्यादा बार आ रहे हैं. देखिए यहाँ पे क्या क्या लेटर है उनको हम चेंज कर दे रहे हैं. ए क्या है, वोवेल है, कॉन्सोनेंट है. ए क्या है, वोवेल. सो वोवेल ए क्या है, वोवेल. अगर मैं ए को किससे चेंज करूं, सक्सीडिंग लेटर यानी ए के बाद वाले लेटर से, तो ए की जगह क्या हो जाएगा, बी. ठीक है, अब देखिए आगे क्या लेटर है, आई. अगर मैं इस आई को, आई क्या है, वोवेल, आई को इसके सक्सीडिंग लेटर से चेंज करूं, तो आई के बाद क्या आता है, जे. सिमिलरली यहां पे क्या है, सी. अगला लेटर यहां पे सी ही तो है. अगर सी, अब सी में आप देखिए कॉन्सोनेंट, सी क्या है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट को क्या करना है, इसके प्रीसीडिंग लेटर से चेंज. प्रीसीडिंग लेटर सी से पहले क्या आता है, बी. आप यहां पे देख सकते हैं क्या है, यू. अगला यू क्या है, कॉन्सोनेंट या वोवेल, वोवेल. अगर वोवेल है तो क्या करना है, सक्सीडिंग लेटर यानी आगे आने वाले लेटर से चेंज. यू के बाद क्या आता है, वी. आगे आप देख सकते हैं क्या है, के. के क्या है, कॉन्सोनेंट या वोवेल, क्या है, के क्या है, कॉन्सोनेंट. और के से पहले क्या आता है, जे, क्योंकि कॉन्सोनेंट से तो पहले वाला प्रसीडिंग लेटर से चेंज करना है. सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं ओ. ओ क्या है, वोवेल. और ओ के बाद क्या आता है, पी. आप आगे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, जेड. जेड क्या है, कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट जेड से पहले क्या आता है, ए. अगला आप देख सकते हैं क्या है, ई. और ई के बाद क्या आता है, क्योंकि ई वोवेल है और वोवेल के हमें क्या करना है, बाद वाला. तो ई के बाद क्या आता है, एफ. आपको समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, वो बोल रहा है रिप्लेस किससे करना है, वोवेल को, सक्सीडिंग लेटर यानी बाद वाले से. एंड कॉन्सोनेंट को किससे चेंज करना है, रिप्लेस करना है प्रसीडिंग लेटर से, पहले वाले से. फिर हमें ये नई वाली सीरीज पता चल गई, सिर्फ लेटर्स को देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना. अब इसमें बोल रहा है हाउ मेनी लेटर्स अपियर्स मोर देन वन, कितने लेटर ऐसे हैं जो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं. देखिए बी दो बार हो रहा है, जे दो बार हो रहा है, और कोई क्या रिपीट हो रहा है, क्या और कोई लेटर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा. सो आंसर में आपके क्या है, बी और जे, यानी सिर्फ दो ही लेटर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं मोर देन टू टाइम्स. सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, टू. टू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आया समझ में, आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये
वाला जो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन आता ही आता है, यानी ये क्वेश्चन तो आपका आना ही है, इस टाइप का क्वेश्चन। वो वन की जगह बस टू थ्री इस तरीके से चेंज हो सकता है, बट इस तरीके क्वेश्चन मैंने जितने भी अभी तक एग्जाम देखे हैं और खुद भी दिए हैं, तो इस तरीके क्वेश्चन आता ही है। सो आप लोग यहाँ पर देखिए, बोल रहा है इफ द डिजिट इज डिजिट कम, यानी अगर आपकी डिजिट कम आए, डिजिट यानी आपके 1 2 3 4 आए आफ्टर अ वोवल, आपकी डिजिट किसके बाद आए, वोवल के बाद, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वोवल के बाद आए तो आपको क्या करना है, इंक्रीज बाय 1, सो आपको इस डिजिट में 1 को ऐड कर देना है, ठीक है। एंड और यदि आपकी इफ द डिजिट, यदि आपकी डिजिट कम आफ्टर द कॉन्सोनेंट, कंसोनेंट के बाद आए, तो आपको उस डिजिट में से क्या करना है, डिक्रीज्ड बाय 1 यानी -1, और जो ये डिजिट अब आएंगी ना उनका क्या करना है आपको, सम ऑफ द चेंज डिजिट। सो जो अब डिजिट चेंज होकर आएंगी, जो भी डिजिट अब चेंज होकर आएंगी उनको, उनका सम करना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर कोई डिजिट वोवल के बाद आती है तो उसमें 1 को जोड़ना है, एड करना है, अगर कोई डिजिट कॉन्सोनेंट के बाद आती है तो उसमें आपको 1 को माइनस करना है यानी डिक्रीज करना है। अब जो डिजिट चेंज करके आएंगी उसमें उन सब का, उन सारी डिजिट का आपको सम करना है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। देखिए वोवेल कौन कौन से, यहाँ पे सबसे पहले वोवेल देखिए, ए के बाद कोई डिजिट है, नहीं है। आई क्या है, वोवेल है, वोवेल के बाद डिजिट है क्या है, आई के बाद कौन सी डिजिट है, 4। अब वोवेल के बाद अगर डिजिट है तो हमें क्या करना है, उसमें 1 को ऐड, सो क्या ऐड करेंगे, 4 में अगर 1 ऐड करोगे क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। सिमिलरली अब आप यहाँ पे देखोगे सी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट के बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 6, और बोल रहा है अगर कॉन्सोनेंट के बाद कोई भी डिजिट है तो आपको क्या करना है, -1, यानी अगर आप 6 में से -1 करोगे तो क्या आ गया, 5, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या है आपका, के, और के क्या है, कॉन्सोनेंट के बाद वाली डिजिट में से क्या करना है, -1, यानी 8 में से -1 करोगे क्या हो गया, 7। सिमिलरली आगे चलेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको ओ के बाद क्या दिखाई दे रहा है, 5। ओ क्या है, वोवेल, और वोवेल के बाद वाली डिजिट में क्या करते हैं, एड, यानी 5 में 1 को क्या करेंगे, एड, क्या आ गया, 6, ठीक है। आगे चलेंगे यहाँ पे क्या है, जेड क्या होता है, कॉन्सोनेंट या वोवेल, कॉन्सोनेंट, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कॉन्सोनेंट के बाद वाली डिजिट में 1 माइनस करना है, यानी कॉन्सोनेंट के बाद जेड के बाद क्या है, 1, 1 में से 1 माइनस करो, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। आगे चलेंगे क्या है, ई के बाद क्या दिया है, 2, और ई क्या है, वोवेल है, कॉन्सोनेंट, ऑब्वियसली वोवेल है, सो वोवेल के बाद की डिजिट में क्या करना है, 1 एड, सो 2 में अगर आप 2 में +1 करते हो क्या आ गया, 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए इन सबको आपको ऐड करना है, जैसे कि बोल रहा है 3 + 5 = 8। यहाँ पे आप सिंपल सा देखो, 5 + 5 क्या होता है, 10, ठीक है, 3 + 7 क्या होता है, 10, 10 और 10 = 20, और 6 = 26, और 0 = 26, सो आपका आंसर क्या आ गया, 26। इन सबको ऐड करना है, यही बोल रहा है, जो चेंज वाली डिजिट आएगी उन सबको हमें क्या करना है, प्लस करना है। आया समझ में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते ही है, सो आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। अगली बात करती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5th टू द राइट एंड 7 टू द लेफ्ट एलिमेंट, यानी इस तरीके के क्वेश्चन तो हमने कल भी करे थे, आपको अच्छे से पता ही होगा, एक बार और देख लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी इसमें से इस पैटर्न पर भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी हर जितनी भी सीरीज आती है उनके साथ एक क्वेश्चन इस तरीके का आता ही है। ये क्या होता है हमारा राइट एंड, ये क्या होता है लेफ्ट एंड, राइट में हम इस तरीके से चलते हैं, लेफ्ट में हम इस तरीके से चलते हैं, ये मैंने कल भी बताया था। अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5th टू द राइट, 5th कहां से है, राइट से, एंड 7th कहां से है, लेफ्ट से।
मैंने बोला था जब राइट और लेफ्ट दोनों दिए हो तो हमें क्या करना होता है, सिंपल प्लस। अब फिफ्थ और सिक्स सेवन को प्लस करोगे जब तो क्या आ गया, क्या आ गया 12, क्या आ गया 12। लेकिन आपको कल मैंने बताया था और आज भी बता रही हूँ, चलना कहाँ से होता है, जो जो भी इन दोनों में से डिजिट बड़ी होती है, सेवन बड़ा है फाइव बड़ी है, ऑब्वियसली सेवन बड़ा है तो आपको कहाँ से चलना है, लेफ्ट से। आपको कैसे काउंट करना है, 12 लेफ्ट। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी एट वाली डिजिट 12 नंबर की है, सो लेफ्ट से। सो आपका आंसर क्या आ गया, 8। आपका आंसर क्या आ गया, 8 इज योर राइट आंसर। देख सकते हैं आप लोग, दिस इज योर आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करती हूँ, एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे, जैसे कि अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ ऑल दी लेटर आर ड्रॉप्ड देन विच एलिमेंट इज फिफ्ट टू द राइट। इस तरीके क्वेश्चन हमने कल भी करे थे, आज मैं अगेन करा रही हूँ। यदि हम सारे लेटर्स को रिमूव कर दे, लेटर यानी एबीसीडी, इस तरीके से जैसे यहाँ पे मैंने ई को रिमूव करा, जेड को रिमूव करा, के को रिमूव करा, यू को रिमूव करा, सी को करा और आई को करा, ए को करा। अब वो बोल रहा है अगर मैंने रिमूव करे तो फिफ्थ लेटर, फिफ्थ एलिमेंट राइट से लगाना है। राइट से फिफ्थ क्या है, राइट ईयर एंड है, यहां से ऐसे काउंट करेंगे। सो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5। सो आपका आंसर क्या आ गया, 1। 1 इज योर राइट आंसर। आई समझ पे, इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पर मैंने कल की और आज की क्लास में इन शॉर्ट और सारे क्वेश्चंस जिस पैटर्न पर पूछे जाते हैं सारे बता चुकी हूँ मैं, और मैं आपको कल पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपकी खुद की कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा एक चैप्टर लेके आऊंगी जो एग्जाम में आपके पीओ का टारगेट बेस्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी पीओ के एग्जाम्स में बैंक में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।